टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल वॉल डेकोर यानी कि दीवार की, की सजावट करने का एक बहुत ही कमाल का आइडिया तो गाइज़ हमेशा की तरह आपको मिलने वाले हैं जन्माष्टमी डेकोरेशन के बेस्ट आइडियाज इस चैनल पर एंड वैसे भी क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट तो है ही फेमस डेकोरेशन के लिए आपको हर साल हर बार हमारे आइडियाज़ बहुत ही ब्रिलियंट लगते हैं एंड आई होप कि इस साल भी आपको हमारे सभी आइडियाज़ पसंद आएंगे और वीडियोस को आप आगे मिस ना करें उसके लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है नोटिफिकेशन बेल के साथ चलिए क्राफ्ट बनाना शुरू करते हैं तो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का ये वॉल डेकोर हम कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते की मदद से बनाने वाले हैं तो यहाँ पर सिंपली मैं एक बहुत ही प्यारे से बर्ड का फिगर ड्रॉ कर रही हूँ जिन लोगों को ड्राइंग वाले पार्ट में प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स मुझे कमेंट करते हैं कि हमें वाले पार्ट में थोड़ी दिक्कत आती है तो कोई भी बात नहीं है आप इस ड्राइंग वाले पोर्शन को दो तीन बार देख सकते हैं हो सके तो पहले आप कॉपी के ऊपर बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद कार्डबोर्ड पे बना सकते हैं तो सिंपल हमने इसको बना के यहां पर कट कर लिया है चलिए अब यहां पर मैंने ले लिए हैं अपने अक्रैलिक पेंट्स और इनकी मदद से मैं इसको पेंट करूंगी गाइज यहां पर आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं वॉटर कलर्स पोस्टर कलर्स अक्रैलिक कलर्स क्योंकि हमें कार्डबोर्ड पर ही पेंट करना है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप किसी भी कलर मीडियम का यूज कर सकते हैं तो पहले यहाँ पर मैंने येलो कलर से जितनी जितनी जगह पर मुझे पेंट करना था उतना उतना कंप्लीट कर लिया अब यहाँ पर मैंने ऑरेंज का एक पेस्टल शेड बनाया है पेस्टल कलर बनाया है यानी कि ऑरेंज में हल्का वाइट मिक्स किया है और जितनी जितनी जगह पर ये वाला पेंट करना था मैंने अप्लाई कर दिया साथ में यहाँ पर अब मैंने एकदम प्रॉपर ऑरेंज जो डार्क एंड म्योन सा ऑरेंज होता है वो ले लिया है और उसको मैं इसके फेदर पे बीक पे और टॉप वाला जो पार्ट है वहां पर अप्लाई कर रही हूं तो ये ऑरेंज कलर का पूरा हमारा काम कंप्लीट होता है अब मैंने नेक्स्ट लिया है डार्क ब्लू कलर जिसकी मदद से मैं इसको पेंट कर रही हूँ गाइस यहां पर कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं मतलब कलर्स को भी मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे शेड्स आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको जो कलर अच्छा लगे जो आपको प्यारा लगे यू कैन यूज दैट और ये हमने इतना अपना कंप्लीट कर लिया है मैंने स्काई ब्लू से भी इसकी लास्ट वाली लेयर को पेंट किया था अब इसकी आईज बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर का आई बॉल बनाया है इसके अंदर मैं ब्लैक कलर का सर्कल बनाऊंगी बट बिफोर दैट यहाँ पर इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर थोड़ा रियल टेक्सचर देने के लिए मैंने लाइट ब्लू वाले पार्ट के ऊपर कुछ लाइंस बना दी हैं डार्क ब्लू पेंट से जो कि इसको काफी सुंदर और काफी रियल लुक दे रही है यहाँ पे मैंने बारिक ब्रश का यूज किया था कुछ ऐसे डिटेलिंग्स वगैरह ऐड करने से ना आपका क्राफ्ट बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा तो ब्लैक से डॉट बना दिया इसके ऊपर लास्ट यहाँ पे हमें व्हाइट से डॉट बना देना है और ये हमारा प्यारा सा बर्ड बनके तैयार है कितना कलरफुल और कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा अब नेक्स्ट बनाते हैं कुछ लीफ जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है और इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ अलग टाइप की लीफ यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इस टाइप का पैटर्न रहेगा कि इसको बीच में से भी हल्का हल्का में कट करना होगा तो ये आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा एंड एक बार हमने इसको ड्रॉ कर लिया है अब इसको कट करने की बारी आती है तो चलिए जल्दी से इसको कट कर लेते हैं कट करने के बाद ये इस तरीके का दिखाई देगा अब गाइज इन केस अगर आपके पास ग्रीन पेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है हमारे जो मेन कलर्स हैं जैसे कि येलो एंड ब्लू जो हमें हर आर्ट किट में मिल जाते हैं वैसे ग्रीन भी मिल जाता है बट जस्ट इन केस अगर आपके पास ग्रीन कलर ख़त्म हो गया या ऐसा कुछ है तो आप येलो एंड ब्लू इनको मिक्स करके भी ग्रीन का बहुत अच्छा शेड बना सकते हैं जिसमें गाइस ब्लू की क्वांटिटी काफ़ी कम रखिएगा और येलो की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखिएगा अब इसमें ये फाइनल जो लीव पे डिज़ाइन होती हैं वो हमने बना ली हमारी सारी की सारी लीव्स बन के रेडी हैं जो एक के बाद एक मैंने आपको दिखा दी हैं कुछ मैंने ये बेसिक वाली लीव्स भी बनाई हैं जो कि मुझे बाद में जो ब्रांच वगैरह मैं बनाऊंगी उसमें यूज में आएंगी तो अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है इनको एक बार साइड पे रख देते हैं और ये जो हमारी बड़ी वाली लीव्स हैं इनके अंदर हमें होल बनाना है जिसके लिए किसी भी नुकीली चीज़ का आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं कंपास पेन पेंसिल किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करके होल आप काफी आसानी से इसके ऊपर कर सकते हैं अभी मैंने भूल लिया है आप यहाँ पे कोई बारीक ग्रीन कलर का थ्रेड हो तो वो भी ले सकते हैं ग्रीन हो तो भी चलेगा अगर व्हाइट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइट भी चल जाएगा तो इसको यहां पर ऐसे हमें इसके साथ डालकर कनेक्ट कर देना है और एक और ज़रूरी बात गाइज मैंने स्टार्ट की है हैंडमेड राखी सेलिंग हम बहुत ही प्यारी प्यारी एकदम न्यू डिज़ाइनर राखियाँ बहुत ही कम प्राइस में आप तक पहुँचाने की ट्राई कर रहे हैं और मैं काफ़ी सारी शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ अपने राखी के डिजाइन आप सबको शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं दिखाती हूँ तो चैनल पर जुड़े रहिए और शॉर्ट्स वीडियोज़ को भी चेकआउट करते रहिए साथ में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा हैंडल का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है राखी के ऑर्डर वगैरह कैसे देने हैं वहाँ पर आपको पता चल जाएगा और अब यहाँ पर हमें ब्रांच बनानी है जिसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का बड़ा सा पीस लिया है और इसके ऊपर आपको इस तरीके से ब्रांच को ड्रॉ कर लेना है तो काफी ज्यादा आसान है यहां पर मैंने स्केच पेन से बनाकर दिखाया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि मैं बना कैसे रही हूं तो ये एक मैंने इसके साथ नीचे से कनेक्ट करती हुई बना दी है और मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है गाइज इस तरीके के दो पीसेस यहाँ पर मैंने कट किए हैं बेस को बहुत ही अच्छे से मजबूत बनाने के लिए इसको एक मजबूती देने के लिए तो ये देखिए इसकी वेट काफी थिक हो गई है अब मैं इसको ग्लू गन की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ बट आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं आप फेवी कॉल फेवी बॉन्ड ग्लू गन किसी भी ग्लू का आराम से यूज कर सकते हैं अब मैंने लिए हैं अपने क्रेलिक पेंट ब्राउन एंड ऑरेंज मेरा जो ब्राउन है ना गाइज वो काफी ज्यादा डार्क है तो मैंने यहां पर हल्का ऑरेंज भी लिया है ताकि मैं इसका थोड़ा शेड सेट कर सकूं जैसा मुझे चाहिए तो ऑरेंज आप लोग मिक्स कर सकते हैं अगर आपका ब्राउन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डार्क है तो पूरा प्रॉपरली इसको पेंट कर देंगे हम और पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा ऑल्सो गाइज आपको ये आइडिया ये प्रोसेस अब तक कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो पूरा अच्छे से देखने के बाद फाइनल आउटकम कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा यहाँ पर आपके सामने जैसे शो हो रहा है मैं काफी पतले ब्रश का यूज करके थोड़ा डार्क ब्राउन जो मेरा ओरिजिनल शेड है उसकी मदद से यहाँ पर मैं इस पर कुछ डिटेलिंग्स एड कर रही हूँ टहनी का लुक देने के लिए इसको ऑल्सो गाइज आप लोग मेरी शॉर्ट्स वीडियो चेकआउट करिएगा जरूर मैंने राखी के अब तक दो शॉर्ट्स डाले हैं शॉर्ट्स वीडियो का एक्चुअली नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वो आपको खुद से वॉच करना पड़ेगा चैनल को सर्च करके या फिर आपको सब्सक्रिप्शन फीड से भी पता चल जाएगा कि इस चैनल से ये शॉर्ट्स वीडियो आए हैं साथ में गाइज मैंने यहाँ पे दो तीन बार नॉट लगाते हुए सभी लीफ को ब्रांच के साथ कनेक्ट कर दिया है अलग अलग हिस्सों पर जैसे आप देख सकते हैं और अब पेस्टिंग का काम हमारा पूरा कर लेते हैं जिसके लिए सबसे पहले ये है कि हमारा प्यारा सा क्यूट सा बर्ड इसको मैं इस तरीके से पेस्ट करूंगी कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमारा पक्षी अपनी टहनी पर बैठा है और अब एक एक करके इन लीव्स को भी यहां पर मैं लगा दूंगी ये मैंने स्पेशली ब्रांच के लिए अलग से बनाई थी इसी के साथ गाइस फाइनली जन्माष्टमी स्पेशल कमाल का वॉल डेकोर हमारा बनके तैयार है इसको आप वॉल पर डबल साइडेड टेप से स्टिक कर सकते हैं इसके अलावा आप बर्ड की टॉप पोर्शन पे एक रिबन का पीस लगा के इसको रिबन के थ्रू हैंग भी कर सकते हैं काफी ज्यादा प्यारा ये थीम है कि एक टहनी पर प्यारा सा क्यूट सा बर्ड बैठा है पूरा ग्रीन लीव से ग्रीनरी वाला इफेक्ट आ रहा है आई होप आज का वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर हरे कृष्णा राधे राधे बाय गाइस।